हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चरर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर मैथ सेकंड पेपर यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियोस पसंद है तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आ सकता है। सिद्ध कीजिए कि एम स्मॉल m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल देन एल पी एफ लेस देन इक्वल देन यू पी एफ लेस देन इक्वल देन कैपिटल m b माइनस ए। इस प्रकार से भी आ सकता है ये क्वेश्चन। यदि f ऑफ ए बी आर परिबद्ध है तो ए बी के किसी विभाजन p के लिए एल पी एफ और यू पी एफ भी परिबद्ध होंगे, ठीक है। और इस प्रकार से भी आ सकता है क्वेश्चन, यदि p ए बी का एक विभाजन है तथा f अंतराल ए बी पर परिभाषित वास्तविक मान फलन है और स्मॉल m और कैपिटल m इसके निम्न और ऊपरी परिबद्ध है, तो सिद्ध कीजिए कि स्मॉल m b माइनस ए लेस देन इक्वल देन एल पी एफ लेस देन इक्वल देन यू पी एफ लेस देन इक्वल देन कैपिटल m b माइनस ए। ये हो गया अपना क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। अब सॉल्व, माना आइए भी एक अंतराल है जिसका विभाजन p इस प्रकार है कि p इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन इज इक्वल टू बी। ये हो गया अपना b, p का विभाजन किस प्रकार है, इस प्रकार है कि एक्स जीरो लेस देन एक्स वन लेस देन एक्स टू लेस देन एक्स थ्री लेस देन एक्स एन, ठीक है। इस प्रकार अपन का p का विभाजन है। अब बात करते हैं, ये हो गया अपने अंतराल। अब उप अंतराल क्या है इसमें, तो एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जो ये विभाजन किया था अपन ने, तो एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स आर माइनस वन एक्स आर एक्स एन माइनस वन एक्स एन, ये हो गए इसके उप अंतराल, ठीक है। आई के उप अंतराल के बाद इसमें आई आर निकालते हैं। आई आर कैसे निकालते हैं, ये देखो आई आर निकालते हैं छोटा वाला पद पहले और बड़ा वाला पद बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स आर माइनस वन पहला और एक्स आर, ये हो गया अपना आई आर। अब डेल एक्स आर के लिए बड़े में से छोटा घटा देंगे तो डेल एक्स आर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना आई के, डेल एक्स आर और आई आर। अब वी नो दैट स्मॉल एम लेस देन इक्वल देन स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल देन कैपिटल एम आर लेस देन इक्वल देन कैपिटल एम। विभाजन से अपन इस प्रकार ये जानते हैं कि मतलब ये होता है एम लेस देन इक्वल देन स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल देन कैपिटल एम आर लेस देन इक्वल देन कैपिटल एम। तो ये अपन का ये अपन मानते जानते हैं, ठीक है। अब इसको अपन को बनाने के लिए मतलब जो अपन को सिद्ध करना है उसके लिए अपन को डेल एक्स आर से गुणा कर दो पहले। तो ये तो अपन के एल पी एफ जैसे अपन ने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, तो पिछले वाले क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट पर जाइए हमारे चैनल की, उसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो जैसे अपन ने पहले किया था कि एल पी एफ और यू पी एफ बनाने के लिए डेल एक्स आर से गुणा किया था, तो पूरे समीकरण में डेल एक्स आर से गुणा कर दो, ठीक है। डेल एक्स आर से गुणा कर दिया तो स्मॉल एम इंटू डेल एक्स आर लेस देन इक्वल देन स्मॉल एम आर डेल एक्स आर लेस देन इक्वल देन स्मॉल कैपिटल एम आर इंटू डेल एक्स आर लेस देन इक्वल देन कैपिटल एम डेल एक्स आर, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करते थे, डेल एक्स आर से तो गुणा कर दिया, अब इसके बाद एल पी एफ इज इक्वल टू होता है सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू एन एम आर डेल एक्स आर, ये होता है एल पी एफ। तो अपन इसमें अब सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू एन लेंगे पूरे समीकरण में, ठीक है। तो ले लो, तो सिग्मा आर इज इक्वल टू वन इन टू एन स्मॉल एम इन टू डेल एक्स आर लेस देन इक्वल देन सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू एन स्मॉल एम आर इन टू डेल एक्स आर लेस देन इक्वल देन सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू एन कैपिटल एम आर इन टू डेल एक्स आर लेस देन इक्वल देन सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टेंस टू एन कैपिटल एम आर एम इंटू डेल एक्स आर, ठीक है। ये अपन ने पूरे में सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टेंस टू एन ले लिया पूरे में। अब देखो ये अपन का बन गया एल पी एफ, ठीक है। पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने करवाया है यू पी एफ, ये बन गया अपन का। तो देखो अपन लिख दो, ये हो गया अपना एल पी एफ, ये हो गया अपना यू पी एफ, और ये ज्यों कितने लिखते हैं क्योंकि अभी इनका पता नहीं है ये क्या बन रहा है, ठीक है। तो एम अपन ने बाहर ले लिया स्मॉल एम, अंदर बचेगा सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टेंस टू एन इंटू डेल एक्स आर लेस देन इक्वल देन एल पी एफ लेस देन इक्वल देन यू पी एफ, ये बन गया, ठीक है। अब लेस देन इक्वल देन कैपिटल एम बाहर ले लिया सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टेंस टू एन इंटू डेल एक्स आर, ये लिख लिया। अब देखो इसके ये अपन जब इसका रखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है
ये अपन इसकी वैल्यू होती है बी माइनस ए, सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टेंस टू एन इंटू डेल एक्स आर इज इक्वल टू होता है बी माइनस ए, तो ये वैल्यू रख दी तो स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल देन एल पी एफ लेस देन इक्वल देन यू पी एफ लेस देन इक्वल देन कैपिटल एम बी माइनस सी, अपन का ये ही सिद्ध करना था प्रूव्ड दैट।